दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अपने एंड्रॉयड फोन से बिना किसी एप्लीकेशन का यूज किए हुए अपने किसी भी फोटो को ऐड करके उसका वीडियो किस तरह से बना सकते हैं। वैसे तो आपने यूट्यूब पे काफी सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें कि आपको फोटो टू वीडियो एप्लीकेशन के बारे में बताया जाता है, जिन्हें आपको प्ले स्टोर से या कहीं और से इंस्टॉल करनी होती है और उसी के बाद आप अपने फोटो का वहाँ पे वीडियो क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोगों को कैसा प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसा तरीका बताने वाला हूँ जिससे कि आपको किसी भी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने फोन का यूज करते हुए बिना किसी एप्लीकेशन के अपने फोटो से वीडियो क्रिएट कर पाएंगे। तो अगर आप भी इस प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी अपने फोटो से वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं और वो भी बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के, तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने फोन की गैलरी को ओपन कर लेना है। चलिए मैं अपने फोन की गैलरी को ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। फोन की गैलरी में आने के बाद यहाँ पर आपको एल्बम में चले जाना और एल्बम में आने के बाद यहाँ से आपको उन फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है जिन्हें ऐड करके आप अपना एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। तो चलिए जैसे कि मैं एक फोल्डर ओपन कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं इस फोल्डर में मेरे पास काफी सारे फोटोज हैं। अब इन फोटोज में से आपको सबसे पहले उन फोटोज को सिलेक्ट कर लेना है जिनसे कि आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ से कुछ फोटो हम सिलेक्ट कर लेते हैं, 1, 2, 3, इसके अलावा 4, 5, 6, ये 6 फोटो मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिए। आप जितने भी फोटो अपने वीडियो में ऐड करना चाहते हैं उनको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद नीचे आपको जो 4 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं इनमें आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पर आपको क्रिएटिविटी नाम का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है, आपको सिंपली क्रिएटिविटी पे चले जाना है। इस पे जाने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, कॉलेज और क्लिप, आपको सिंपली क्लिप को सिलेक्ट करना है। जैसे आप क्लिप को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा वीडियो यहाँ पे इस तरह का देखने को मिल रहा है। तो चलिए मैं वॉल्यूम को कम कर देता हूँ, यहाँ पे आपको म्यूजिक भी सुनाई देगा और आप देख सकते हैं आपको काफी तरह के टेम्पलेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो इनमें से अगर किसी और टेम्पलेट को आप यूज करना चाहते हैं तो यहाँ से सिंगल क्लिक में इस तरह से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद उसे अपने वीडियो में आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का टेम्पलेट है, तो आपको जो भी टेम्पलेट अच्छा लगता है आप यहाँ से टेम्पलेट डाउनलोड कर लीजिए। अब इसके बाद में अगर आप यहाँ पे कोई म्यूजिक एड करना चाहते हैं तो म्यूजिक के लिए आपको करने के होगा नीचे की साइड आपको ऑडियो का बटन मिलेगा, इस पर जाएंगे और यहाँ से आप अलग अलग तरह के ऑडियो भी डाउनलोड कर सकते हैं। जिस तरह कि हमने अभी टेम्पलेट डाउनलोड किया था उसी तरह से यहां से आप ऑडियो डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास फाइल मैनेजर में कोई ऑडियो पड़ा है, कोई MP3 फाइल पड़ी जिसे आप इस वीडियो पे ऐड करना चाहते हैं अपनी पसंद का कोई सॉन्ग, तो आपको ये सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है इस पे जाना है और इस पे जाने के बाद आपका फाइल मैनेजर यहां पे ओपन हो जाएगा। आप यहां से आपको जो भी म्यूजिक पसंद आता है उस म्यूजिक को आप यहां से सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको ओके कर देना है, जिससे आप ओके करेंगे आपका म्यूजिक यहां पे इस वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वीडियो क्रिएट हो गया। अब वीडियो क्रिएट होने के बाद आपको सेव किस तरह से करना है, ऊपर आप देख सकते हैं सबसे टॉप पे राइट हैंड साइड में आपको सेव का बटन मिल रहा है, आपको सेव पे टैप करना है और सेव पे टैप करेंगे यहां पर आप देख सकते हैं क्रिएटिंग क्लिप और यहां पर आप देख सकते हैं मेरा वीडियो कंप्लीट है। चलिए मैं आपको प्ले करके दिखा देता हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि विद म्यूजिक के हमने अपना एक वीडियो क्रिएट कर लिया अपने कुछ फोटोज को ऐड करके और इसके लिए हमें किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी तरह से अगर आप भी अपने मल्टीपल फोटोज को जोड़ के अपना एक वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं अपनी फेसबुक स्टोरी के लिए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के लिए या किसी और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म के लिए, तो इस प्रोसेस से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपने तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले से वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।